दोस्तों बैंक में NPCI DBT एक्टिवेट करने के लिए नई सर्विस आ गई है, जिसके द्वारा आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से ही NPCI DBT को एक्टिवेट कर सकते हैं मात्र OTP की मदद से। तो दोस्तों किस प्रकार से आपको NPCI DBT को एक्टिवेट करना है, किस प्रकार से आधार लिंक करना है OTP से, उसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार पूर्वक देने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने मोबाइल से NPCI DBT को एक्टिवेट करना चाहते हैं, जिससे आपको सरकार की योजनाओं के लाभ मिल सके, जैसे PM किसान योजना हुआ, या फिर फ्रेंड जो भी DBT से पैसा सरकार की तरफ से आपको मिलता है, या फिर कोई स्कॉलरशिप मिलती है, या कोई भी पैसा आपको सरकार की तरफ से आता है, जैसे पेंशन हो गया या कोई भी पैसा हुआ, सभी पैसे सरकार जो है DBT के माध्यम से भेजती है, और उसके लिए आपको अपने खाते की NPCI DBT को एक्टिवेट करना होता है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में तक बने रहिए, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों NPCI DBT को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको चले आना है अपने मोबाइल में। जैसे आप मोबाइल में चले आते हैं, तो अब आपको यहाँ पर अपने मोबाइल के किसी भी एक ब्राउजर को खोल लेना है। देखिए ब्राउजर हमने खोल लिया है फ्रेंड। जैसे आप यहाँ पर ब्राउजर खोल लें, अब जो आपका यहाँ पर मोबाइल है उसमें आपको यहाँ पर गूगल खोल लेना है ब्राउजर के अंदर। तो देखिए हमने गूगल भी खोल रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च बार पे जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है NPCI। आपको NPCI लिखना है और उसके बाद इसे सर्च करना है। सर्च करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से पेज आएगा, जहाँ पर देखिए आपको ये पहली वेबसाइट जो है इसे खोल लेनी है। तो चलिए हम इस पहली वेबसाइट को खोल लेते हैं। वेबसाइट यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, वेबसाइट है npci.org.in। इसी वेबसाइट को आपको खोलना है। जो पॉपअप आता है इसे हटा दीजिएगा। अब देखिए आपको चले आना है नीचे, और जैसे नीचे आएंगे तो देखिए इस प्रकार से इसके कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, कंज्यूमर के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए कंज्यूमर लिखा हुआ है, कंज्यूमर में यहाँ पर आएंगे और जो प्लस का आइकॉन बना है इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस प्रकार से ये सर्विसें आपको दिखाई देंगी। इनमें से देखिए आपको एक नई सर्विस दिखेगी जो कि है भारत आधार सीडिंग इनेबलर। इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यह सर्विस आपके सामने खुल जाएगी। फ्रेंड्स कुछ सेकंड का यहाँ पर टाइम भी लग सकता है, तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। उसके बाद देखिए इस प्रकार से ये जो है पेज खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम स्टेटस चेक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीडिंग करेंगे। तो स्टेटस चेक करने के लिए देखिए आपको यहाँ पर टाइमर चल रहा होगा, और टाइमर के नीचे फ्रेंड्स आप कॉर्नर में देखेंगे एक छोटा सा निशान बना होगा एरो का, इसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे और कुछ और ऑप्शन आपके मोबाइल में खुल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा हुआ है गेट आधार मैप स्टेटस। तो यहाँ पर देखिए गेट आधार मैप स्टेटस लिखा है, इसी के ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए इस प्रकार से पेज आएगा। यहाँ पर देखिए हमें आधार नंबर डालना है और ये कैप्चा कोड भरना है, और उसके बाद चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए डालते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। इसके बाद देखिए आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP भेज जाएगा, यहाँ पर वो आपको OTP डालना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डालकर OTP सबमिट करेंगे तो देखिए इस प्रकार से स्टेटस आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये आधार नंबर है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मैपिंग का जो स्टेटस है, यहाँ पर देखिए लिखा रहा है इनेबलर फॉर DBT, यानी कि फ्रेंड्स इससे जो खाता है वो यहाँ पर लिंक है और DBT के लिए इनेबल भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपको लास्ट अपडेट की डेट भी दिखेगी कि 2/8/2017 को ये अपडेट हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंडेट फ्लैग में स्टेटस दिखा रहा है यस। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंडेट डेट दिखा रहा है रिक्वेस्ट डेट बाई कस्टमर, तो यहाँ पर 1/8/2017 की एक डेट लिखी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर OD फ्लैग में आपको N दिख रहा होगा, और OD अवेल डेट में देखिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख रहा है। और यहाँ पर देखिए हम आपको बैंक के बारे में बताएं तो यहाँ पर लिख रहा है बैंक का नेम, और बैंक दिख रहा है यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ इसका DBT इनेबल है। तो फ्रेंड इस प्रकार से अब हमारा ये चेक हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं दिखाता है, लिंक नहीं दिखाता है, तो फिर किस प्रकार से आपको लिंक करना होता है हम वो यहाँ पर जान लेते हैं। उसके लिए देखिए फिर से ऊपर टाइम चल रहा होगा, हम वहीं चले आते हैं और यहाँ पर देखिए फिर से जो एरो कंडीशन बना है इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार से फिर से वही ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए इस प्रकार से पेज आ जाएगा।
यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ऊपर अपना आधार नंबर डालना है, तो जो भी आधार नंबर है वो यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद चले आएंगे नीचे, तो देखिए नीचे लिखा है रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग, और यहाँ पर पहला ऑप्शन है सीडिंग का और दूसरा ऑप्शन है डी सीडिंग का। अगर आप किसी आधार से यहाँ पर डी सीडिंग करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो डी सीडिंग चुनेंगे, लेकिन फ्रेंड हम यहाँ पर सीडिंग करना चाहते हैं तो सीडिंग को आपको चुनना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बैंक चुनना होगा, किस बैंक के साथ आप यहाँ पर सीडिंग करना चाहते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना होगा, देखिए नीचे बैंक आ गई हैं, तो हम जो भी हमें बैंक है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखिए बैंक ऑफ इंडिया हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है फ्रेश सीडिंग, अगर आप नई सीडिंग करना चाहते हैं तो फ्रेश सीडिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन है मूवमेंट विद द सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, यानी कि फ्रेंड्स आप दूसरे बैंक अकाउंट के साथ यहाँ पर करना चाहते हैं सेम बैंक में, तो आप वो भी यहाँ पर सीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन है मूव इट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, यानी कि फ्रेंड्स किसी दूसरे बैंक के साथ अगर करना चाहते हैं तो आप वहां से तीसरा ऑप्शन चुनेंगे, लेकिन फ्रेंड्स हम फ्रेश सीडिंग करेंगे तो फ्रेश पे यहाँ पर चेकमार्क लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर भरना है पहले, और दूसरी बार में कन्फर्म अकाउंट नंबर है वही अकाउंट नंबर दोबारा डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नीचे आना है और चेकमार्क लगाना है। चेकमार्क लगाने के बाद देखिए दूसरी बार चेकमार्क लगाना है, और चेकमार्क लगाने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड भरना है, और कैप्चा कोड भरने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही देखिए प्रोसीड करेंगे तो इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, आपको देखिए टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए एग्री कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए इस प्रकार से ये जो है टर्म्स एंड कंडीशन आपकी आगे बढ़ जाएंगी। यहाँ पर देखिए हम एक बार पढ़ लेते हैं और इन्हें एग्री कर देते हैं। एग्री करने के बाद देखिए एक बार इनवाइट कैप्चा आता है, तो दोबारा कैप्चा आप भर दीजिए। उसके बाद देखिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आधार के साथ लिंक है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा, यहाँ पर वो आपको ओटीपी डालना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स ये मेरा पहले से ही लिंक है, तो मैं इसे लिंक नहीं कराना चाह रहा, इसे कि मैंने आपको दिखाया, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप सीडिंग करना चाहते हैं तो इस प्रकार से सीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर मैं ओटीपी डालूंगा तो वो दोबारा हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो दोस्तों सीडिंग करने के लिए आपको यही प्रक्रिया अपनानी है, आप ओटीपी डालेंगे और फिर यहां पर सबमिट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों 24 से 48 घंटे का टाइम लगेगा और आपका सीड कर दिया जाएगा, और फिर आप आसानी से डीबीटी का जो है लाभ ले सकते हैं, आपका एनपीसीआई डीबीटी इस प्रकार से एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।